साधक दान रे ब्राह्मण को जाने दिया। घोड़ा पे वो सवार सुनो सरदार भव की गाहियो, असगुन लकी छाती फटत ध्यान जब दियो। घोड़ा पर सवार हुए हैं हरदौल, अपनी भाभी के आंगन की तरफ बढ़े हैं। अरे बेटा की चलत रे सवारी, दोस्तों परम भक्त हरदौल जब भाभी के नजदीक को चले हैं, अब तो चारों तरफ से असगुन दिखाई देने लगे। उसी वक्त हरदौल सोचने लगे ये क्या हुआ, मालूम पड़ता है कि आज हमारी भाभी के ऊपर कोई आपत्ति है। घोड़ा पर सवार होकर के असगुनों पर ध्यान नहीं दिया, फिर भी वो हरदौल आगे चले, लेकिन आगे जब बढ़े हैं दोस्तों, अरे एक सम्मुख विधवा आई और हाथन में कंडा लाई। असगुन निहार करके परम भक्त हरदौल की बुद्धि में विचार कुछ और आने लगे, मन ही मन में सोचने लगे ये क्या हुआ, समझ में नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों घोड़ा जब आगे को नहीं चला, हरदौल उस घोड़ा की पीठ से उतर के नीचे आए और कहने लगे भैया क्या तुम भी हमें धोखा दे रहे हो। मालूम पड़ता है कि भाभी के आंगन में बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए तुम जल्दी चलो। और रो करके हरदौल ने जवाब दिया उस घोड़ा से, भैया
कि ले चलियो मोए बाबज के द्वारे पे उड़ी भाभी जिंदा है मेरे सारे आज वही घोड़ा पर सवार होकर के परम भक्त हरदौल जिस वक्त पहुंचे हैं भाभी के आंगन में, घोड़ा को द्वार पर बांध करके जब चले हैं आंगन की तरफ, तो क्या देखा है कि भाभी बैठी हुई घुटनों में सर को छुपाए हुए बुरी तरह से रो रही है। तो हरदौल पास में खड़े हो गए, भाभी क्या हुआ, मुझे रास्ता में बहुत बुरे बुरे असगुन हुए हैं, आखिरकार तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती है। भाभी ने कुछ नहीं कहा, उसी समय रो करके हरदौल कहने लगे, भाभी सच कहो बात क्या है। बाबज मुझे तो बताइए मोई कहा दुख भारी, कापुरे बोली गौ भैया वे कह दे नहीं बाबज गारी। सच कहो माँ, भैया से अगर कोई लड़ाई हुई होगी बीच में, मैं बोलने वाला कोई नहीं हूं। पूछा तेरे लालू बताएगा हाल कहा बीमारी, कहा बीमारी क्यों व्याकुल भिकल जमीन पड़ी है महदारी, क्यों व्याकुल भिकल जमीन पड़ी है महदारी। जवाब दिया, भाभी क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो। उसी वक्त भाभी रो करके कहने लगी, बेटा हरदौल अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो इस घर से निकल के भाग जाओ। क्यों, तुमने तो हमें भोजन करने के लिए घर बुलाया। कहने लगी, हाँ लेकिन बेटा हरदौल तेरे भैया ने तो मारन काजे भोजन भी सके बनवाए। बेटा इसलिए तुम इस घर से चले जाओ, भोजन जितने भी आंगन में है कुमर हरदौल, अरे जे जितने भोजन प्यारे और सब हेरे जहर के मारे, अरे भतीजो तिवरा प्यारे ना कजा बिंगे प्राण रे तुम्हारे। आंगन से चले जाओ, बाहर जाए कौन तो पड़ी छइयो, लिख लिख चिट्ठियां मोई भिजवइयो, मेरी पेशन जावे सजना से भज जइयो लला मेरे अंगना से भज जइयो, भज जइयो लला मेरे आंगन से भज जइयो। आप दिया, बेटा हरदौल इस घर से निकल के चले जाओ, तुम्हारे भैया ने तुम्हें मारने के लिए भोजन में जहर मिलवाया है। हरदौल कहने लगी, भाभी क्या कह रही हो तुम, मेरा भैया मुझे बहुत चाहता है, बात मेरे भैया ने मुझे मार डालने के लिए भोजन में जहर, क्या सुन रहा हूं मैं। जब आप दिया, हां बेटा उसमें दोष तुम्हारा नहीं है। लगाई कुमार दो दो सो लगा।
करके जवाब दिया है बेटा हरदौल, किसी चुगला ने जा करके तुम्हारे भैया के सामने हमारे तुम्हारे पवित्र प्यार में दीवार बन गया, उसने झूठा दोष लगा दिया है, उनके मनसा पाप बढ़ जाने के बाद में उन्होंने भोजन में जहर मिलवाया। ये वचन सुनने के बाद में हरदौल के पैरों के तले धरती खिसक गई और कहने लगे, भाभी अब मैं समझ गया कि संसार के लोग हमारे इस पवित्र प्यार को पाप की दृष्टि से देखने लगे। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता, लेकिन भाभी मरने का हमको रंजना अफसोस यही अफसोस है, पातक लगो पग फैल को भाभी मेरी निर्दोष है। मरने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मेरी भाभी निर्दोष है, इसलिए भाभी कहना तो केवल ये चाहता हूं, प्यारे भैया को बचन ले कहूं नहीं भावक डालू, मोय भोजन दियो परोस रे प्रेम से मैया पालू। अब समझा दुनिया के लोगों ने हमारे प्रेम को कुछ और दृष्टि से देखा। महाराज लला की भर आई हिलकी आंख लला सू भर की बात जन कही भ्रांत तिलकी। ओ दुनिया के रखवाले राम भावई कैसी चूती है, ओ दुनिया के रखवाले राम भावई कैसी चूती है, कैसी टूटी है विपत्ति की अड़ रही खूटी है, ओ दुनिया के रखवाले राम मुसीबत कैसी चूती है। रखना हरदौल ने जिस वक्त ये कहा, भाभी में भैया के हुक्म को टाल नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे जो भी भोजन है जहर का वो हमें दे दो। ये शब्द सुनने के बाद में भाभी रो करके कहने लगी, नहीं बेटा हरदौल, मैं आंखों के सामने तुम्हें भोजन नहीं करने दूंगी, हरदौल तुम इस घर से निकल के चले जाओ, चले जाओ ना। कहने लगी भाभी, तुम्हें मेरी कसम हो, मेरे भैया की कसम हो, बीच में दीवार ना बनो, मैं अपने भैया के हुक्म को कभी टाल नहीं सकता। उसी समय दोस्तों उस भाभी ने तजदा रंज मलाल परसिदा फाल पत्र करियो, आज ब्रह्मचारी ने ग्रास ले हाथ में जवाई लियो। थाल को जब परोस दिया हरदौल कुंवर ने, जब ग्रास हाथ में लिया, भाभी आगे बढ़ करके कलाई को पकड़ के कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें भोजन नहीं करने दूंगी हरदौल। हरदौल कहने लगे, भाभी पहले ग्रास हाथ में लियो मुंह की ओर चलो लिवा, हरदौल कहने लगे, भाभी तो एक कसम है मेरे भैया की, मेरी भैया को छोड़ दे मां, अब कई भी मुंह रखाया है भाव जगो बेटा ने भोजन करे अघाय, जगी मुंह रखा जब भाव जगी भरिया थाली परी निघाय, मूड़ा मारी दो मूड़ा गारी से चुड़िया छार छार हो जाए, और को दुख बरने बा दुखिया को तंगे मेहर दरारा खाए,
भावज बोला नारी बेटा सुन ले चित्त लगा दोस्तों हरदौल ने अपने भाई की जिस समय कसम खवाई है उसी समय भाभी मूर्छित होकर के गिर गई। हरदौल ने जहर का भोजन किया। मूर्छा जब जगी है तो देखा कि थाली खाली है, एकदम से बेटा को कलेजे से लगा लिया, बेटा यह तुमने क्या किया? हरदौल कहने लगे, भाभी मैंने जो कुछ किया अच्छा किया, रोना नहीं मां। लीनो जन्म सो मर तू है यो धीरे दिल को दीजियो एक बार मोय पुचकार के मोपे प्यार भाभी कीजियो। संसार में जो एक बार आता है वो चला जाता है भाभी। दुख सुख की जो कहरी सो चलती बिरिया कहले मोये कबार पूछा कार की गोदी मेरी मैया ले ले। मेरे सारे शरीर में जहर फैलने लगा है माँ, रोना नहीं भाभी, रोना नहीं माँ। हे धर्मराज तुम न्याय धर्म को कीजो, देखन हारे सब देव गवाही दीजो। महाराज मेरे दिल होई जरा भी पाप, हम नरक कुंड में जाय मिले मोय कोटि बरस संताप। भाभी मेरी भैया से राम राम कह देना, तन मन से सेवा करियो उनकी पतिव्रत धर्म घटेना। मेरी भवज के अब मेरी बिगड़न लगी जवान, राम राम के ब्रह्मचारी में छोड़े अपने प्राण। अब तो धन्य धन्य सतवाजी धर्म पे बेटा मिल गया है, अब तो धन्य धन्य ब्रह्मचारी धर्म पे बेटा मर गया है, अब तो धन्य धन्य ब्रह्मचारी धर्म पे बेटा मर गया है। परम भक्त हरदौल जिस समय खत्म हुए, भाभी की गोद में ही हरदौल का सर एक तरफ को ढोनक गया। दोस्तों उसी समय भाभी बुरी तरह से रोने लगी, बेटा हरदौल बेटा क्या हुआ तुम्हें? लेकिन वहां कोई बोलने वाला नहीं था। हरदौल की लहस पर बुरी तरह से भाभी रोने लगी, बेटा ओ बेटा तुम कहां गए बेटा। क्यों चुप मेरी गोदी में लेता बेटा मेरे दिबरा मेरे तुम कहां गए बेटा। हरदौल की लहस पर जब भाभी रोने लगी है उसी समय जुझार आ गया, कहने लगा, मार दिया इसे, बहुत अच्छा किया, आज तो हमारे सारे खानदान का ही कांटा निकल गया। और दोस्तों मरे हुए भैया हरदौल के जुझार सिंह ने एक लात मारी और कहने लगा, खुशी मना, रोने की कोशिश ना कर, आज से समाज में हमें कोई लज्जित करने वाला नहीं रहा। और हरदौल भैया की लहस को उठा करके जुझार सिंह ने मुस्कराते मुस्कराते उस ओरछा के शमशान में जाके जला दी। तो हरदौल की आत्मा बहन कुंजावती के आंगन में पहुंची है, देखा है कि बहन गहरी नींद में सो रही है। तो हरदौल अपनी बहन को सपना देने लगे और कहने लगे, बहन
तो कैसी आई गई नींद, बहन तेरे भैया रो है जगाई रे, कैसी आई गई नींद बहन तेरे भैया हम तो मरे सखी न कदी जननी रपिवाई रे, कौ चुगला ने जाए पहन दो झूठो दोष लगाई रे, मेरो भैया करिया भैया भैया कहीं पहना बलई है रुधन मचाई रे, दोस्तों ध्यान रखना हरदौल ने जिस वक्त अपनी बहन को जाके सपना दिया है उसी समय रात में ही बहन उठ करके बुरी तरह से रोने लगी तो कुंजावत की नंद ने आकर के जवाब दिया भाभी क्यों रो रही है, कहने लगी है कि मेरे भैया हरदौल ने हमें सपना दिया है। जवाब दिया कि सपने कभी अपने नहीं होते, इस तरीके से इंसान सो जाता है तो पता नहीं उसकी बुद्धि कहां पहुंचती है, सपने तो आते ही रहते हैं। कहने लगी मेरा भैया ब्रह्मचारी है मुझे गलत सपना नहीं दे सकता। जवाब दिया गलत सपना नहीं दे सकता तो सुबह चली जाना देखाना अपने भैया को। सारी रात बहन को रोते ही गुजर गई। सुबह जब हुआ है दोस्तों रथ सजवाया गया और रथ पर जाकर के बहन जब बैठी है जाने धरो पैंजनी पे पांव हाथ से पल्ली छूती रथ में बैठ न पाई गूंज जग न थकी। तू जाई बहन जब पीहर में आई महल के कंगूरा झुक गए नीचे को आई। भाग पहना और अंगना में पहुंची मेरे भाई। दोस्तों बहन कुंजावती अकेले ही रथ हाँक करके जिस समय अपने पीहर में गई और इधर पीहर की दशा निहार करके बहन बुरी तरह से रोने लगी, समझ गई कि कोई बात जरूर है। भाभी ने जिस वक्त देखा तो आबत देखी नंद भई मति मंद मिलन को धाई भर लई नन दुल की जे तरे के भाबज ने हुलसाई। आइए बहन आए
सुंदर आसन दर लई बैठारी सासु की दियाई सोने को लोटा तनीर भर लाई आदर किया बहन ने उस जल को तो अपने हाथ में ले लिया और पूछने लगी है भाभी मेरा भैया कहाँ है। हरदौल की जब याद आई है बहन को भाभी रो करके कहने लगी है बहन मौसी बहन रे बेटा हमने खायो और तो किचहर कर भैया ने बेटा को मरवायो और भाभी बुरी तरह से रोने लगी। भाभी ने खुले शब्दों में जब यह कहा है कि तुम्हारे भैया ने मेरे ब्रह्मचारी बालक को इस तरीके से जान से मरवा दिया, उन्हें मनसा पाप बढ़ गया, ये वचन सुनने के बाद में बहन बेहोश होकर गिर गई। तब तक जुझार ने आकर के बहन को गोद उठा लिया। बहन तुम कब से आई? छुटक करके दूर खड़ी हो गई और कहने लगी ओ रे हरामी तूने मेरे शरीर को क्यों स्पर्श किया। भैया दो मर बाई के ऐसी कठिन छाती करी खान करिया नागने ना बीजुली तो पे परी। अरे दुष्ट भैया को मार डालने के लिए कहने से पहले ही तू मर क्यों नहीं गया? तूने इस जवान से ये कैसे कह दिया कि इसे जहर दे दे? तूने कैसे जहर की कही रही रे बताइए मेरे पीरा। तेरी तालम भरी न जीव रे परे न तू समन कीरा। अगर तू मेरे भैया को न खिला पाता तो मैं अपने भैया को भीख मांग करके पाल लेती। क्या कहूं जबान बिगारूं मैं जन्मन तेरो द्वार निहारूं। महाराज अभी ससुरे को जाऊंगी और जब तक जिंदा रहे न तेरे द्वारे आऊं। बहन जब रथ में बैठी गई जाए लेके खबर आज भैया की ससुरे में पहुंची जाए। बहन जिस समय लौट के ससुराल में आई है इधर धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। बहन कुंजावती की लड़की की जब शादी का वक्त आ गया तो घर में शादी है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। कुंजावती की नंद आकर के कहने लगी भाभी एक बात कहें। बोलो। तेरे घर बेटी को ब्याह और गीत भात के गायलेरी तेरो जेठो भैया जुझार सिंह तू तापे भात भराए ले। सुन के ऐसी बात बहना दिल में अति घबराई गई है।
साथियों, जिस वक्त ये कहा उसी समय बहन कुंजावती आंगन में बुरी तरह से रो करके कहने लगी, सखी मेरा भैया था वो तो मारा गया, मैं इस तरीके से उस कमबख्त के सामने भात मांगने के लिए नहीं जाऊंगी। कहने लगी, अगर तुम भात मांगने न जाओ तो तुम अपने बड़े भैया जुझार सिंह के लिए खत लिख दो, उसी चिट्ठी के आधार पर वो कुछ न कुछ भात में लेके आ जाएगा। भाभी, भात इसलिए नहीं मंगाया जाता है कि हमारा कुछ स्वार्थ बने। अरे चल लाख भरे होए पोती, और बिन भात नहीं शोभा होती, और बिना आंगन में रोती, अरे जाया सुन तेरे मुख धोती। जवाब दिया, तुम अपने भैया के लिए खत लिख दो, उसी चिट्ठी के आधार पर वो भात लेके आ जाएगा। कलम और कागज को लेकर के बैठ गई है कुंजावती और अपने जेठे भैया के लिए लिखना आरंभ किया है। ओरछा के बसने वाले हमारे भ्राता जुझार सिंह, सादर से स्नेह नमस्ते। आगे कुछ और भी लिखा, भूप और छाकेरे तपाधारी भान जा तेरी को ब्याहो रचो रे भैया, ब्याहो पीरन ब्याहो रचो, और भात की पीर करो रे तैयारी। कुंजावती ने लिख दिया है खत में कि भानज तुम्हारी का विवाह है, और भैया मैंने तुम्हारे द्वार पर तुमसे कई एक अपशब्द भी कहे थे, लेकिन सब गलतियों पर धूल फेंक देना और हमारे घर जरूर चले आना। नाई को बुला करके इशारा किया, ये खत ले जा करके मेरे भैया के पास में भेज दो। नाई जब चला दतिया से ओरछा में पहुंचा, जुझार कहने लगा, नाई कहां से आना हुआ? तो चलो वहां से धाई भूप ढिंग जाई तंडब तकीनी, चल भात पत्रिका कार जेव से लीनी। ये खत कहां का है? नाई ने जब ये कहा है कि महाराजा स्वयं पढ़िए। पाती पाती खोली ऊपर बोली ही न कहो तीनी, नाई को दो भटकार न पाती नीनी। जवाब दिया, पाती पाती है खोली ऊपर बोली रे ही न क्यों तीनी, नाई को दो भटकार न चिठिया ली। ये खत आगा खत ये, कहने लगा श्रीमान आप स्वयं पढ़िए। पत्र को जिस समय खोल के पढ़ा, कहने लगा इसमें तो कुंजा कुंजा नाम की लड़की लिखी जिसे तो मैं जानता भी नहीं। आ गया समझ में, वो मेरी बहन कहाँ है? किस हरामी ने बता दिया वो मेरी बहन है? मेरे मुंह में कीड़ा नहीं पड़े, मेरे ऊपर कोई बिजली नहीं पड़ी,
स्वार्थ जब उसका लगा तो अपने मतलब के लिए मुझे भाई बना लिया। गुस्सा तो ऐसा आता है, नाई के भात और बेसन सब तेरी घोपड़ी पर ही लाते हैं। चला जाए यहां से। अरे चल तरी जा जहां से आई, अर्जन चिट्ठिया फेंक चलाई, अरे हरनाथ का बन आई, अरे जय मोदी तक नाय खवाई। दोस्तों याद रखना, कहने लगा है कि उस लड़की से जाकर के कह देना उसका भैया जो था वो खत्म हो गया, मेरी न कोई बहन है न मैं किसी का भाई हूं। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन उसके यहां बारात आएगी उस दिन हमें कहीं जरूरी काम से जाना है। जरूरी काम से कहां जाएंगे आप? कहने लगा यह भी बात कोई पूछ रहे कि सुन मुझे कहां जाना है? मोए पान सहाय अकबर से मिलने ते है जाना, उससे जा करके कह देना भात अगर चाहती है तो शमशान में जा करके हरदौल से भात मांग ले। दोस्तों नाई जब चला है, बहन कुंजावती ने दूर से आता हुआ देखा, भाग करके नजदीक गई और कहने लगी कहो भैया मेरे भैया ने क्या कह दिया, भात लेके आएगा या नहीं आएगा? कहने लगा चुप रहे, उसने तो यह कहा है कि उसका भैया हरदौल था वो खत्म हो चुका है, और भात अगर मांगना चाहती है तो शमशान में जाकर के भात मांग ले। दोस्तों जे ये वचन सुने हैं कुंजावती के दिल पर हथौड़ा सा बैठा। आज वही बहन रथ में बैठ करके और रथ लेकर के चली, कहने लगी अगर मरा हुआ भैया मुझे भात देने से इनकार कर देगा तो मैं लौट करके दतिया में मुंह नहीं दिखाऊंगी। दोस्तों उसी समय बहन कुंजावती रथ लेकर के ओरछा के शमशान में गई। गांव के ग्वाला बांह पर जो गाय चरा रहे थे, भैंस चरा रहे थे, उनसे पूछने लगी है भैया मोए भैया को मर घट बताई थी जो भोले भैया ले। गांव के लड़के कहने लगे पागल ना बनो, उन्हें मरे हुए काफी समय बीत चुका है, उनकी तो राख भी मौजूद नहीं मिलेगी। लेकिन बहन को जब शमशान बताया गया है राख उड़ चुकी थी, सिर्फ हड्डियां मौजूद थी। अरे बहन का प्यार हरदौल की हड्डियों को झोली में भरने लगी, उनके ऊपर मुंह रख करके बुरी तरह से रोने लगी और एकदम से चीख करके कहने लगी ये भैया हरदौल तेरी भिकारिन बहन री दरबार में तेरे आई। बड़े भैया ने ठोकरा दिया है मुझे, ठोकरा दिया है। भानज तेरी को ब्याह भैया भात दिए पहराई। कुछ तो बोलो भैया, कुछ नहीं बोलोगे? अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं जिंदा लौट करके दतिया में मुंह नहीं दिखाऊंगी। और लईनी कटारी चप पहनाने और हृदय पे धरी की जमाए, ए तब या बाजया निमर घट से पागल हुई गई बहने हमारी। एकदम से बहन इधर उधर देखने लगी, भैया तू दिखाई तो दे ही नहीं रहा है। हरदौल कहने लगे बहन और चल के देह खबर हुई गई कैसे भेजन भुजा पसार, तो मच्चो बंगा लौट जाओ ससुरे गोंगा एक रोए रोए गई रुबार। तब रोएंगे बहना बोलन लगी भैया सजने कान लगा, और प्यार तो तेरी को पीरन भात दिए पहराए।
बहन जो थी वो मरे हुए भैया से बात मान करके चली जाती है घर के लिए। इधर हरदौल की आत्मा चली है गांव के साहूकार के नजदीक पहुंची और हरदौल ने सपना ये दिया है कि भैया गांव से पश्चिम दिशा में जो हमारा पुराना ताल है उसमें दौलत है, उस दौलत को निकाल करके हमारी बहन के आंगन में जो हमारी भानज का विवाह है और उसमें हमारी बहन को भात पहरा दो। सपने के आधार पर गांव के साहूकार ने जिस वक्त तालाब को खुदवाया है उसमें दौलत निकली है, उस दौलत से भात का सामान लेकर के आज वो गांव का साहूकार जो था कुंजावती के आंगन में पहुंचा है। दोस्तों, कुंजावती ने जिस वक्त देखा कि मेरा भैया हरदौल नहीं है, ये तो गांव का साहूकार है, तो कहने लगी है भैया मैंने तुमसे तो भात मांगा नहीं था, तुम क्यों आए? जवाब दिया, तुम्हारे भैया ने हमें सपना दिया और उसी सपने के आधार पर मैं भात लेके चला आया। कहने लगी, तुम्हें सपना देने के लिए तुम्हारे पास चला गया और मेरे पास तक नहीं आ पाया, मैं तुम्हारे हाथ का भात नहीं पहनूंगी। और बुरी तरह से बहन उस आंगन में रोने लगी, मैया को जाओ भैया रे तू झूठ मुझसे बोलो और पामिन पेट को भाव रे मरघट में नैनुन खोलो। हरदौल की आत्मा वहीं भटक रही थी, आवाज लगाने लगे, हरदौल बहन अब तू मुझे सुख से नहीं सोने देगी। तब आवाज आती अंबर से पागल हो गई बहन हमारी और जर के देह लाख मेरी हुई गई, कैसे मैंने भुजा बढ़ा। चलो तो थम करो आंगन में तू खंबा से बहन ले जा, सच बने आए जाके सेवाए गयो मेरी बहना मोयना सूझत और उपाय। दोस्तों याद रखना, जिस वक्त हरदौल ने ये जवाब दिया है कि बहन तुम्हारे आंगन में जो लोहे का खंब है इसी खंब को हरदौल समझ लो, बहन चली है उस खंबा की जब जेठ भरने लगी है उसी वक्त कहानी कुछ और बन गई। अटो अचानक खंबा लखो प्रतिबिंब मारी गई झाई, हरदौल कुमर की तन कहुले के लख पाई परछाई। फट गया, हरदौल की जरा सी परछाई नजर आई है। उसी वक्त बहन कुंजावती पछाड़ खा करके आंगन में गिर पड़ी तो गांव के साहूकार ने जाकर के बहन को उठाया और जवाब दिया है, बहन
अगर भैया हरदौल की पेस जाती तो वो तुम्हें भात अवश्य पहनाते, इसलिए तुम अब हमारे हाथ का भात पहन लो, जो कुछ है वो सब ठीक है। नौजवान साथियों, गांव के साहूकार के कहने के आधार पर बहन कुंजावती ने साहूकार के हाथ का भात पहरा है। उसके बाद में जब बारात आई है और सभी बारात वाले भोजन करने के लिए जब गए हैं, सब बाराती जन भोजन करने लगे, लेकिन हरदौल का जो भान इज्दमान था, जो दूल्हा बन के आया था, उसने जब ग्रास अपने हाथ में नहीं उठाया, कुंजावती पूछने लगी, बेटा तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे? उस लड़का ने जवाब दिया है, मां भोजन मैं नहीं करूंगा। क्यों? जब तक मामा हर दौल के मैं दर्शन नहीं पाऊं, जब तक मामा हर दौल के हाय दर्शन नहीं पाऊं, है मेरो संकल्प पूरे ना भोजन हर दिन खाऊं। वक्त ये कहा उसी समय भैया भजिया तमार दो लौकी और ब्रह्मा ढंग पहुंची जाए, कोई देव दे ही ब्रह्मा से लेके तूले दर्शन दे दिखाए, और पाते असर भी दे दूल्हा को फिर कहना तो पहुंच गो जाए। नौजवान साथियों, हरदौल कुंवर ने जिस वक्त यह देखा है तो उसी समय भगवान ब्रह्मा जी से शरीर मांग करके उस दूल्हा को दर्शन दिए हैं। अपनी बहन के नजदीक जब गए हैं तो बहन ने अपने भैया की जेट भर ली है और जवाब दिया है कि भैया मैं तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। परम भक्त हरदौल कहने लगे, बहन ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर को मैं मांग के लाया हूं, मेरा शरीर तो जल करके राख हो चुका है, और बहन तुम भात पहन लो, मुझे यहां से बहुत शीघ्र ही जाना है। तो कहने लगी, भैया अब मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं रहूंगी, अर्थात मैं तुम्हें इस आंगन से जाने नहीं दूंगी। परम भक्त हरदौल ने बार बार बहन को समझाया और भात पहराया। भात पहराने के बाद जब चलने के लिए तैयार हुए हैं तो बहन ने रास्ता घेर ली, भैया तू कहां जा रहा है? तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती हरदौल। हरदौल कहने लगे, बहन देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना भैया को पुकारे, मतलब का है ये।
मतलब को व्यवहार, स्वार्थ बिन कोई बात न पूछे देखा खूब विचार, जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई करके धन लाभे तो माता करती प्यार, पिता कहे ये पूत सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार, और जो बाको लायक न देवो तो मुखड़ा लेते बिगार, जगत में मतलब को व्यवहार। कहा है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, केवल स्वार्थ ही अपना है। उसी वक्त जब हरदौल चले हैं तो बहन ने कहा भैया तेरे बगैर आंगन में नहीं रहूंगी, पीछे पीछे बहन भी चलने लगी। बहन जब चली है तो बहनोई भी जाने लगे, फिर कुछ गांव के लोग भी हरदौल के पीछे पीछे चलने लगे। गांव के लोग जब चले हैं तो बारात वाले लोगों ने देखा वो भी पीछे हो गए हरदौल के पीछे। बहुत भारी भीड़ जब जा रही है गांव से बाहर, जब पीछे देख करके हरदौल कहने लगे बहन पीछे लौट जा। बहन कहने लगी भैया तेरे बगैर अब मैं इस आंगन में जिंदा नहीं रह सकती। हरदौल कहने लगे पागल ना बनो बहन, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, तुम पीछे लौट जाओ। रो करके बहन कहने लगी भैया अरे तेरे बिन ना रे रहूंगी, अरे तेरे बिन ना रे रहूंगी, और मैं तो खाई के जहर रे मरूंगी। हरदौल ने जब देखा है कि बहन इस तरीका से नहीं वापस होगी, उसी समय हरदौल कहने लगे बहन पीछे घूम के देखो। क्यों? तेरे महल में लगी गैया गिरी के बहना मेरी प्यारी, पीछे घूम के बहना ने जब निघारे पथारी। महाराज बहन को गओ पिछारू ज्ञान, धोखा देके अज बहना को हुई गओ अंतर ध्यान। बहन ने पीछे को घूम के देखा, जब भैया दिखाई नहीं दिया बहन जमीन पर गिर पड़ी, दोबारा उठ नहीं सकी। दोस्तों गांव के लोगों ने जब उठाया उसी समय क्या देखा, जाके प्राण पखेरू उड़ी गए लेके मर गई जाकी मेहना, भैया के दुख में खुले ही खुले जाके रह गए तो नैना। बहनोई ने देखा सोचने लगे धन्य है तुम्हारी जैसी बहन को जो तुमने अपने भैया के पीछे प्राण दे दिए, क्या मैं अपने साले के पीछे जान नहीं दे सकता। आप प्यारी कह के कदार रे पेट में उन्होंने मारी, और बहनोई अब मर गए रे के सुनियो सरदारी। बहन और बहनोई जब दोनों खत्म हुए हैं, दोस्तों गांव के लोगों ने यह कहा हरदौल के बिरह में दोनों खत्म हुए हैं। इसकी जहां चिता जलाई गई है कुमार हरदौल की, वहीं पर इन दोनों की लहस जलाई जाए।